दमोह लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी जनसभा के दौरान मंच पर फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें रोता देख पूर्व विधायक अजय टंडन और फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गले लगाकर सांत्वना दी। मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी का नामांकन दाखिल किया जाना था, जिसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष और कई वरिष्ठ नेता दमोह पहुंचे थे। नामांकन दाखिल करने से पहले जनसभा का आयोजन किया गया, जहां जीतू पटवारी ने भाजपा पर निशाना साधा और भाजपा को धोखा बताया। जिला कांग्रेस के प्रभारी श्री राम पाराशर जी और बड़ा मलेरा से हमारी विधायक सम्मानी हमारी भारतीय जनता पार्टी से प्रहलाद पटेल जी से, आप यहाँ 20 साल से बीजेपी की सरकार है, पिछले 10 साल से आपका सांसद है, ज्यादा से 10 साल से आप ही हो सर, 10 साल से बीजेपी की देश में सरकार है, दमों को क्या मिला? दमों पर आपने एक, मैं अखबारों में पढ़ता था, सुनता था, बेलाताल सफाई अभियान हो गया होगा, अरे हो गया होगा। बेलात पटेल जी क्यों नहीं हुआ 10 साल में आपसे? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं हुआ 10 साल में? पत्रकार बंधु, ये मेरे 5 सवाल है, पूछना उनसे आप। और मैं दमों की जनता से भी आग्रह करता हूं, आप भी इस बात का विचार करना कि आपके बेटे पलायन जो करते हैं, इनको रोजगार क्यों नहीं है? और प्रहलाद पटेल, जयंत पलैया, लाखन सिंह के बेटों को रोजगार क्यों मिल गया, सवाल है या नहीं है? जब आपके बेटों को, नेताओं के बेटों को रोजगार मिला है, तो यहां की जनता के बच्चों के रोजगार का क्या होगा? दूसरा सवाल, तीसरा, किसानों को आपने 2700 रुपए धान की बात की थी, गेहूं के 3100 धान के बाद धान की बात की थी, 3000 बहनों को देने की बात की थी, आप चुनाव में गए, आप मंत्री हो सरकार के, सवाल बनता है बिना दिए वोट क्यों? आपको वोट क्यों देना चाहिए? अभी 3 महीने पहले आपने इस बात के वोट लिए और दिए नहीं, तो फिर वोट मिलना चाहिए क्या उनको? चौथा सवाल, जैसा मैंने कहा, एक है टिकाऊ, एक है बिकाऊ। प्रहलाद पटेल जी, सवाल है मेरा आपसे, एक है टिकाऊ, एक है बिकाऊ, एक है लोधी, एक है लोभी। पटेल साहब, आपको बताना पड़ेगा कि आप लोभी को चुनोगे कि लोधी को चुनोगे, आप टिकाऊ को चुनोगे कि बिकाऊ को चुनोगे, सवाल है। और ये सवाल आज पूरे दमोह संसदीय क्षेत्र की जनता भी पूछे। पांचवा सवाल, क्या कारण है कि इतने साल तक भारतीय जनता पार्टी यहां राज में है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, भाषण भी प्रहलाद पटेल और बीजेपी के लोग अच्छे अच्छे देते हैं, हमसे अच्छे देते हैं, बातें तो लच्छेदार ऐसी करेंगे कि उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। पर सवाल यह है कि रेलवे की एक भी सुविधा दमोह संसदीय क्षेत्र को आप क्यों नहीं दिलवा पाए, सही है कि गलत? अरे बोल के बताओ, सही है कि गलत? ये 5 सवाल है पत्रकार बंधु, ये उनसे पूछना। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि बहनों के साथ बीजेपी न्याय नहीं कर सकती, हम 5 न्याय के सिद्धांत पर, विचार पर, एक नया विजन के साथ कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाना चाहती है। युवाओं को रोजगार नहीं है तो फाइनल कर लिया, पढ़ा लिखा है, माँ बाप ने पेट काट काट कर उसको पढ़ाया लिखाया, उसके पास नौकरी नहीं है, 30 लाख पक्की नौकरी पहले साल कांग्रेस पार्टी दे, 8500 रुपया उसी ग्रेजुएट बच्चे को जिसने 3 साल कॉलेज के पूरे किए, उसको कांग्रेस पार्टी वचन के साथ देगी, घर में बैठे देगी, सिर्फ डिग्री लेके आना है। कांग्रेस ने निर्णय लिया, जिन बहनों को 3000 की बात बीजेपी ने की थी, हमारी सरकार आएगी तो 8500 रुपया, भाभी ओ माता जी, आप इधर इधर मेरे तरफ देखो, आपको कह रहा हूं, हाथ ऊंचा करो, ये 8500 रुपया पर महीने हर जात की, किसी भी वर्ग की गरीब बहन कांग्रेस का पंजा जीता तो आपके खाते में 8500 रुपया तरवर लोधी को सांसद बनाने को मिलेंगे।
साथियों किसान भाइयों, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपकी फसल की कीमत गारंटी के साथ कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। 3000 गेहूं का दाम और 3100 धान का दाम, गारंटेड कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी वचन के साथ करेगी। साथियों, महंगाई अद्भुत है, अकल्पनीय है। इसमें आपकी सरकार बने, पहले जब सरकारें बजट इकट्ठा करती थी, खजाना भरता था, तो देश के उद्योगपतियों से टैक्स लिया जाता था। अब जब सरकार चलती है तो ये पत्रकार बंधु ने जो शर्ट खरीदा है इसपे 18% जीएसटी दी है। जो हम रोज खाना खाते हैं वो अगर 2000 का खर्चा रोज होता है तो 18 गुना 36 रुपया आपसे रोज कटता। 100 रुपए का खाना खाते हैं तो 18% जीएसटी हमारे रोज खाने में से जाती है। गरीब जो मजदूरी करता है, जो रोज बोझा उठाता है, जो खेत में मजदूरी करता है, अगर उसने भी बाजार से कोई चीज खरीदी है और फिर उसका उपयोग किया है तो उसकी जीएसटी उसने दी है। आज देश का खजाना गरीब भरता है। इसलिए आपके पैसे पे सबसे पहला हक ST ST OBC और अपर कास्ट के गरीब का है, ये कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। जो बजट बनेगा, जो सुविधाएं मिलेगी, जो संसाधन देश के हैं, उस पे अधिकार गरीब का है, पहले किसान का है, पहले ST ST OBC और अपर कास्ट के गरीब का है। ये भावना कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, फिर से ये चुनाव एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता। ये ग्रामीण भारत टीवी के लिए दमोह से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।